आइए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आप कैसे अमेज़ॉन इंडिया के कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कॉल बैक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली मैंने अमेज़ॉन इंडिया से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारे लोगों को कुछ डाउट है, और जब भी मैं उनको बोलता था अमेज़ॉन कस्टमर सर्विस को कॉन्टैक्ट कीजिए, तो वो लोग इंटरनेट पर सर्च करते थे कस्टमर केयर का नंबर, पर उनको मिलता नहीं था। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप कैसे कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाइए। लॉगिन अगर हो जाएंगे तो आपका ऑर्डर वगैरह सब कुछ मतलब आप सिलेक्ट कर सकेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अमेज़ॉन के होम पेज पर ये कस्टमर सर्विस लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो पेज खुलेगा इसमें आप नीचे जाइए और यहाँ पर देखिए कस्टमर सर्विस फिर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ देखिए कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है, तो कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कीजिए। अब देखिए, ये जो पेज लोड हो रहा है इसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी दी हुई है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है उसको क्लिक करके कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो भी मतलब आपके ऑर्डर हैं वो लिस्ट हो जाएंगे, डिस्प्ले होना चालू हो जाएंगे। तो आपको जिस भी ऑर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे समझ लीजिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब फ्रेंड्स, मैं नीचे की तरफ जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कस्टमर केयर को। तो फ्रेंड्स, ऑर्डर को जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसके बाद आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर पूछेगा सिलेक्ट एन इशू, आपका इशू क्या है, मतलब आपको जो भी परेशानी है उसको आप यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसको सिलेक्ट कीजिए, उस इशू को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। तो जैसे समझ लीजिए मैं यहाँ पर डिलीवरी इशूज सिलेक्ट करता हूँ इस वीडियो में, मतलब आपको समझाने के लिए। उसके बाद देखिए एक और इशू पूछ रहा है, मतलब सब इशू क्या है आपका, मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको फिर यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो भी आपका इशू, जैसा भी आपने सेलेक्ट किया होगा उस हिसाब से यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे अमेज़ॉन इंडिया के कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट करने के। पहला है फ़ोन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़ोन जो ये ऑप्शन है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से। आप जैसे ही इस फ़ोन वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो अगले पेज पर जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर आप अमेज़ॉन के थ्रू कॉल बैक करवा सकते हैं, मतलब अमेज़ॉन आपको खुद फ़ोन करेगा। तो ये जो है फ़ोन आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको इंग्लिश में बात करनी है तो इंग्लिश सिलेक्ट कीजिए, हिंदी में करना है तो हिंदी कीजिए, या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज जैसे तेलुगू, तमिल, कन्नड़ जो भी है तो आप उसको सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैं यहाँ हिंदी सिलेक्ट करता हूँ, फ़ोन पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा मेरे अमेज़ॉन अकाउंट के साथ, उस पर मैं कॉल बैक रिक्वेस्ट कर सकूँगा, मतलब अमेज़ॉन मेरे को कॉन्टैक्ट करेगा, खुद कॉल लगाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, ये है चैट ऑप्शन। अगर आप इस चैट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए चैट विंडो खुलेगी और यहाँ पर आप अपना जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको यहाँ लिखिए और स्टार्ट चैट बटन पे क्लिक कीजिए, आप चैट कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने ज़्यादातर देखा है लोग इंग्लिश में ही चैट करते हैं, तो मैंने तो फिलहाल इंग्लिश में ही चैट किया है। आप एक बार देखिए, हिंदी में भी हो सकता है आपको जवाब मिले। और तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स ईमेल। तो यहाँ भी फिलहाल इस इशू के लिए ईमेल की बटन डिसेबल करके रखी हुई है हमने, तो मैं अमेज़ॉन का जो ऑफिशियल कस्टमर केयर का ईमेल एड्रेस है उसको भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दे रहा हूँ। तो आप चाहें तो अपना उनको ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल में बस अपना जो भी ऑर्डर नंबर है उसको ज़रूर मेंशन कीजिए और साथ साथ में आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उसको अच्छे से डिफाइन कर दीजिए, तो आपको उन लोगों की तरफ से जवाब आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।